मेरे प्यारे तरुणा तरुणियों, आज भी पिछले कक्षा में जो चर्चा किए थे उसी विचार को, यानि युवा वंशे नामक गद्य को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी ध्यान से पाठ्य पुस्तक को देखना चाहिए। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। हाँ, अंतर का मतलब है विश्वास होना या ना होना। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। देखिए, आपस में मैं और आप और मेरे बीच में ये विश्वास से काम करना या निभाना चाहिए। अगर उसकी कमी होने से व्यवहार या कार्य या कर्तव्य ठीक नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। देखिए कितना बढ़िया बात कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। जब हम 4 साल के रहते हैं तब थोड़ा सा विश्वास कम रहते हैं, उसी तरह 8 साल, 8 साल के बाद 12 साल, 12 साल के बाद 16 या 18 साल के बाद इसी तरह विश्वास बढ़ते 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 जाएगा। अगर किसको किस तरह का जो जवाब देना है, इस तरह का जो विश्वास हमें बढ़ते जाता है, बढ़ते जाने से क्या हो जाएगा, अपने आप हम हमारा व्यवहार में व्यवहार हम कर सकते हैं। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। ध्येय, मकसद, लक्ष्य, कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलित के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। देखो, इस तरह सबके सामने ये ध्येय को हम क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो हम उस काम से हम बिछुड़ कर हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए मुक्त हो जाओ, हम हमारा जिम्मेदारी जो है वो करके हम मुक्त यानी आजादी के साथ रहने के बारे में हम सोचना चाहिए। यही धर्म का सर्वस्व है। मतांतर विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। देखिए, ये भौतिक तौर पर हम जो करते हैं ये बहुत गौण बातें कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। इसीलिए यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। देखो, ये दिखावा करते हैं कुछ लोग, यानी उनके मन में अलग भावनाएं रहते हैं, मगर ये गर्दन के ऊपर से अलग बातें जो करते हैं, गर्दन के ऊपर से जो बातें करते हैं ना, वो दिखावा। यानी मैं आपके साथ अच्छे विश्वास के साथ रह रही हूं या रह रहा हूं, वैसा निशाना बस, असलियत से विश्वास नहीं रहते हैं, वो डोंगी है, वो डोंगी। इसीलिए हम उस तरह ना बनने से बनने के बदले हम क्या करना चाहिए, विश्वास रख के काम करना चाहिए। डोंगी क्यों बनना चाहिए, बनने से अच्छा नहीं रहेगा। नास्तिक बनना अच्छा है,
डोंगी के बदले नास्तिक बनना। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क का मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का जो रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। देखो कितना सबसे बढ़िया मजबूत बात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हो रही है, जिसको हम समझकर बातें करना चाहिए या काम करना चाहिए। देखो और एक बार, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी का अवलंबित रहो। देखो अपने मस्तिष्क का मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। बाकी सभी विचार जो आते हैं ना, उसको दूर रखना चाहिए। यही सफलता का जो रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। इस तरह जो आगे बढ़ते हैं ना, वो महान धार्मिक पुरुष का निर्माण वो विचार से अपने आप हो जाएगा। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सब की पूजा करता हूं। मैं उनसे उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो, मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरिजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ये प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं ना, उसी तरह विश्वास के साथ डोंगी बनने के बदले नास्तिक रूप में अपना जो काम में जो आगे बढ़ेगा, इसको इस तरह प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। देखना चाहिए, काम में ही भगवान को देखना पड़ता है या देखना चाहिए। अगर हमारा काम या बातचीत अगर ठीक ठाक रहने से हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। डोंगी कहते हैं या दिखावा जो कहते हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, ढेर समूह राशि जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है। ठूसना यानी अत्यधिक भरना। और जो आत्मसात हुए बिना वहां अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। देखिए, हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेनी चाहिए, यानी एक्सपीरियंस अनुभव लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, यानी होगा। यदि आप केवल पांच ही परके हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। इसलिए कहते हैं कि कनाडा में एक कहावत है,
देश सुत्तु कोशा ओदु, ये कोश से भी ज्यादा सा ज्यादा ज्ञान देश को भटकने से घूमने से हमें मिलता है, ऐसा बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी भी कह रहे हैं, अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। देखो, नेतृत्व करने का नहीं यानी मैं जैसे कहता हूं ना उस तरह वो करना है, ये वो ये नहीं है, उसके बदले है उनकी सेवा करने का जो प्रयत्न करना है। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। देखो, उनके बात को हम सुनकर अगर उसको अनुसरण करने से वो हमें डुबो देते हैं, इसलिए स्वयं अपने आप हमारे विचार के बारे में सोचकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए, वैसा स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। दूसरों की बात को सुनकर हम वो नहीं करना मतलब है वो, अगर वो काम करने से हमें डुबो देते हैं। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वता अभाव है, संगठन में अभाव कमी, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव, ईर्ष्या द्वेष। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो, यही है संगठन का पूरा रहस्य। समझ में आ रहे हैं ना छात्रों, मेरे प्यारे तरुण तरुणियों, मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। और एक बार मेरे तरुण तरुणियों या नव युवक युवतियों, आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो, हमारे मन में या दिमाग में नहीं रखना चाहिए। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। ये है जीवन का राज या रहस्यमय बातों को सबके लिए हमारे भारत में रहने वाले वसुंधरा के जो संतानों को स्वामी विवेकानंद सलाह दे रहे हैं। इसको अगर हमारा जीवन में विश्वास के साथ अगर उसको पालन करने से जरूर, जैसे संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा, देखो गिर पड़ेगा। नव युवक युवतियों, और एक बार ये अंतिम प्यारा, मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको, अगर इसी तरह गुण आप में अपने रग रग में अगर रहे तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। इस तरह सहनशील, इसलिए जो कहते हैं ना अंग्रेजी में साइलेंस इज गोल्ड, सिल्वर इज स्टॉक जो कहते हैं ना, उसी तरह हम क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए इस तरह सहनशील बनकर जो हम काम करना है वो करके
आगे बढ़ना उचित है। इसके साथ ही युवा वंशे नामक गद्य समाप्त हो जाएगा मेरे नव युवक युवतियों। इस तरह है। इसके साथ ही अभी प्रश्न जो है उसका उत्तर मैं बताऊंगा। आप क्या कीजिए, पेंसिल रख कर वो प्रश्न के सामने उत्तर लिखने के लिए तैयार रहिए। मेरे प्यारे नव युवक युवतियों, युवा वंशे नामक गद्य का रचनाकार का जो नाम है स्वामी विवेकानंद, इस गद्य का प्रश्न का जो उत्तर मैं बताऊंगा, आप पेंसिल से प्रश्न के सामने लिखते जाइए। पहला जो प्रश्न का उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर। और एक बार कह रहा हूं, नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर। हाँ, दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा। तीसरा, कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निःस्वार्थी। चौथा प्रश्न का उत्तर, किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी? इच्छा शक्ति। छात्रों, आप सही तरह हिज्जे की जो गलती के बिना अगर लिखना सीखे तो आपको अपने आप ज्यादा अंक आने की संभावना जो रहते हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर है इच्छा शक्ति। पांचवा, असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? प्रेम। पांचवा प्रश्न का उत्तर है प्रेम। छठा, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? नास्तिक। टेक्स्ट बुक को देख के या पाठ्य पुस्तकों को देख कर स्पेलिंग यानी हिज्जे को देख के सही सही शब्द या उत्तर लिखना चाहिए छात्रों। सातवां, कमजोरी किसके समान है? मृत्यु। आठवां, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? मजबूत। क्या है? मजबूत। नाइन्थ वन, प्रत्येक आत्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा। ठीक है, अव्यक्त ब्रह्मा। दसवां प्रश्न, नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? अभी अभी मैं पाठ पढ़ाते समय बताया ना, पृथ्वी माता की तरह। दस प्रश्न का उत्तर है। और एक बार कहता हूं, ध्यान से सुनिए छात्रों। पहला प्रश्न का उत्तर है नव पीढ़ी के नव युवकों। दूसरा प्रश्न का त्याग और सेवा। तीसरा, निःस्वार्थी। चौथा, इच्छा शक्ति। पांचवा है प्रेम। छठा, नास्तिक। सातवा है मृत्यु। आठवा है कम मजबूत। नवा है अव्यक्त ब्रह्मा। दसवां प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी माता। ठीक है, अभी सेकेंड मेन को बताऊंगा, ये लिखिए धीरे धीरे ठीक तरह। लिख लिया छात्रों?
अभी दूसरा मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न का जो उत्तर है, भारत वर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर है पेज नंबर 15 में दूसरा पैराग्राफ पूरा लिखना है। उसमें अगर एक दो पंक्ति को चांट कर सही उत्तर को लिखना है। हाँ, पेज नंबर 15 सेकंड पैराग्राफ पूरा। दूसरा, त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं? हाँ, त्याग और सेवा पेज नंबर 16 में है। देखिए पेज नंबर 16 में दूसरा पैराग्राफ पूरा। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा से लेकर, देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी, यहां तक लिखना है। हाँ, तीसरा प्रश्न, स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है? हाँ, इसको पेज नंबर, हाँ, स्वदेश भक्ति कोई बता सकते हैं? स्वदेश भक्ति पेज नंबर 18 में है। देखो मेरे तरुणा तरुणियों, स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं पेज नंबर 18 में। तीसरा पैराग्राफ पूरा है, मगर पूरा लिखने की जरूरत है। उसमें प्रमुखतः जो रहने वाले विचार को, विषय को लिखना है। पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। सर्वधर्म सहिष्णुता यहां पर है पेज नंबर 20 यानी 20। नीचे आइए, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं, वहां से लेकर ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, यहां तक चौथा प्रश्न का जो उत्तर लिखना है। पांचवा, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? शिक्षा के बारे में, हाँ, पेज नंबर 20 यानी लास्ट दो पंक्तियां हैं, लास्ट टू सेंटेंस जो है, वहां से लेकर पेज नंबर 21 का जो पहला पैराग्राफ में जो है उसको लिखना है। मैं जो कह रहा हूं ना उसको यथावत नहीं लिखना चाहिए, उसको पढ़िए, दो दो बार पढ़िए, बाद में उससे आधारित विचार को अपने शब्दों में लिखकर आप अपना जो नोट्स तैयार करना है। मेरे नवा युवक युवतियों, मैं बार बार कह रहा हूं, हर पाठ के बाद मैं कह रहा हूं, बाकी विचार में आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं मगर हिंदी में नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप क्या करना है, जैसे मैं कह रहा हूं उसी को सुनकर या टेक्स्ट बुक के आधार पर आप अपना जो नोट्स तैयार करना है। हाँ, नहीं तो मार्केट में मिलने वाले दिग्दर्शन जो है ना, वो दिग्दर्शन को लेकर आप तैयार करना पड़ता है। हाँ, तीसरा मेन, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, पहले संदर्भ लिखना, बाद में व्याख्या लिखना, बाद में स्पष्टीकरण लिखना, बाद में विशेष, इस तरह चार पॉइंट्स को लिखकर एक एक पॉइंट्स में उत्तर लिखते जाना।
पहला है प्रसंग, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है स्पष्टीकरण और चौथा है विशेष। इस अंश के द्वारा यहाँ पर पांच प्रश्न जो दिया गया है वो पांच प्रश्नों का उत्तर जैसे मैं कहा ना उसी तरह लिखना है, ठीक है। चौथा, विलोम शब्द लिखिए। आपको पता है ऑपोजिट वर्ड यानी विरुद्ध पदा जो कहते हैं ना, वो आशा निराशा, साधारण असाधारण, स्वदेश विदेश, स्वार्थी निःस्वार्थी, कीर्ति अपकीर्ति, शिक्षित अशिक्षित, पवित्र अपवित्र, जन्म मरण, निर्धन धनवान, मजबूत कमजोर, धर्म अधर्म, नास्तिक आस्तिक। नेक्स्ट, समानार्थक शब्द लिखिए। नवीन नया, पुरोहित पुजारी, जंगल वन, विपिन पहाड़ जंगल, सॉरी पहाड़ पर्वत, ईश्वर भगवान, साहस धीर, तरुण युवक, अधिक ज्यादा। इस तरह मैं जो कहा ना उसी शब्द को लिखना है, वैसा नहीं है, उसके बदले समानार्थक शब्द, दूसरा शब्द अगर आपके दिमाग में है तो वो भी लिख सकते हैं। मैं जो कहा उसी को लिखना है, वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनुच्छेद नव युवक युवतियों, देखिए यहां पर अनुच्छेद यानी पैराग्राफ दिया गया है, उसी के नीचे पांच प्रश्न दिया गया। ये पहले पैराग्राफ को ठीक तरह पढ़िए, बाद में पांच छोटे छोटे प्रश्न दिया गया है। उदाहरण के अंतर्गत हमारा आदर्श वाक्य क्या है, उसका उत्तर है मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य पहला पंक्ति में ही दिया गया है, उसी को लिखना है, बस उसी तरह आप लिखिए। दूसरा, किसके प्रति आस्था रखनी चाहिए, देखिए ईश्वर के प्रति आस्था रखो, तीसरा पंक्ति में है। तीसरा प्रश्न, किसकी आवश्यकता नहीं है, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, तीसरा पंक्ति में ही तीसरा प्रश्न का उत्तर है, दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न, तुम किसके समान हो, सिंह लास्ट पंक्ति में है, देखिए सिंह तुल्य होंगे यानी होंगे, उसको लिखना है। हमें किसे जगाना है, भारत को और पूरे संसार को जगाना है। हर प्रश्न का उत्तर उधर ही उस पैराग्राफ में ही है, उसको आप क्या कीजिए, बहुत बढ़िया लिख कर अपना नोट्स आप ही तैयार करके जब कॉलेज आओगे ना, तब लेकर आने से आप में से जो भी त्रुटियां जो रहते हैं ना, वो त्रुटियों को मैं मूल्यमापन करके दे देता हूं, बाद में उसको सही तरह लिखने के आदत में आप जाना पड़ता है, ठीक है। यह है युवा वंश नामक गद्य का जो कथा या सारांश और कथा के आधार पर रहने वाले एक शब्द या वाक्य में रहने वाले प्रश्न का उत्तर, दूसरा दो तीन पंक्तियों में लिखने वाले प्रश्नों का उत्तर, और तीसरा है ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, वो है, और चौथा है
विलोम शब्द लिखिए, और पांचवा है समानार्थक, और छठा है अनुच्छेद को पढ़कर दिया हुआ जो प्रश्न का उत्तर लिखना है। शायद मैं समझ गया हूं कि आप बहुत बढ़िया नोट्स तैयार करके रखते हैं, रखेंगे इस आस्था से, इस यकीन से आज का जो कक्षा जो है उसको समाप्त करूंगा। मेरे नव युवक युवतियों, धन्यवाद।